नमस्कार दोस्तों, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एक पाकिस्तान की बेटी ने ही जो पाकिस्तान के कानून को फ्रॉड बताया है, पाखंड बताया है, बेकार बताया है, तो वो बेनजीर भुट्टो है, उनकी बेटी है। उन्होंने इस बात को साफ साफ कहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर कानून बनाए जाते हैं रमज़ान के दौर में, वो बिल्कुल बेकार है, हास्यप्रद है। तो पाकिस्तान के जो हास्यप्रद कानून के तहत जो रमज़ान के दौरान उपवास न करने वालों को जेल की सज़ा दी जाती है, पानी पी लेता है अगर कोई उपवास के दौरान, तो उसको 3 महीने की जेल की सज़ा का प्रावधान है। तो जो उनके भाई है बिलावत और जो विपक्षी पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के PPP के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी इस बात पर टिप्पणी की है। जो बख्तावर ने जो एहतराम में रमज़ान को बेतुका बताया है और ये जो अनुसार रमज़ान के अनुसार जो उपवास नहीं रखते हैं और उसे 3 माह की जेल हो सकती है। और जो मलाला के ऊपर आक्रमण हुआ था उसके ऊपर भी बख्तावर भुट्टो ने ट्वीट किया है, उसके ऊपर कहा है कि जो रमज़ान में पानी पीने के लिए 3 महीने की जेल भी हो सकती है, लेकिन जो स्कूल की लड़की है मलाला, उसके ऊपर आतंकवादियों ने जानलेवा हमला किया था, आज तक उसके जो हमलावर थे उसको सज़ा नहीं मिली है। तो दोस्तों, ये कई चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के ही लोग, जो पाकिस्तान के ही नेता हैं, वो ही ये बात को उठा रहे हैं। रोज़ा न रखा जाए तो आपको जेल हो सकती है। जो पाकिस्तान की सरकार का कानून है 1981 के अनुसार, 1981 के कानून में बदलाव करते हुए रमज़ान के दौरान जो खुलेआम जो नशा करते हैं, खान पीने में करते हैं, जो वो उसके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना और जेल की सज़ा हो सकती है। और नए कानून के तहत यह हो गया है को जो कानून को तोड़ने वाले होटल और रेस्तरों पर भी जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रावधान रखा है। और टीवी चैनलों और सिनेमा हॉलों पर 50,000 रुपये से या उससे अधिक का जुर्माना हो सकता है। तो इस्लाम ये नहीं कहता कि आप ऐसे करो, लेकिन जो आतंकवादी खुलेआम घूमते हैं उनको तो पाकिस्तान नहीं कहता कि आप खुलेआम मत घूमो, ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि आतंकवादी और एक आम आदमी वहाँ पाकिस्तान के अंदर साथ साथ घूमते हैं। तो दोस्तों, एक अजीब बात है, एक आतंकवादी के हाथ में पिस्तौल है और एक आम आदमी जो अपने गृहस्थी के चक्रों में उलझा हुआ रहता है, तो ये दोनों साथ साथ घूमते हैं और जब मर्जी आए जब उनकी गोली दाग देते हैं। मतलब किसी तरह का उनका खौफ नहीं है, खाली पाकिस्तान के नागरिकों को ज़रूर खौफ है। तो दोस्तों, ये जो बेनजीर भुट्टो की बेटी है उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, पाकिस्तान के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार दोस्तों।